हेलो खम्मा गणेशा, तो हमेशा हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग रेलवे स्टेशन पे आती होती है। आप लोग भी सोचते होंगे कि यही से ब्लॉग स्टार्ट होता है इनका हमेशा, बट क्या करें, जब भी घर से निकलते हैं ना, सच में लिटरली बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, इतने जल्दी जल्दी में आते हैं, हम हमेशा लेट होते हुए आते हैं। सो बस यहीं पर आके थोड़ा टाइम मिलता है, कभी कभी तो यहाँ भी नहीं मिलता है, कभी कभी तो ट्रेन के अंदर ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ता है। अभी हम लोग जा रहे हैं जयपुर, और जयपुर क्यों जा रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है आप सबके लिए और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबके लिए भी। तो व्लॉग के साथ में बने रहिएगा, आइए गए। जैसा कि आप देख रहे हो, एक हाथ की तो मैं मेहंदी घर से लगा के आ गई थी और एक हाथ की मैंने नहीं लगाई थी, तो मैंने सोचा था कि ट्रेन के अंदर 2-3 घंटे का टाइम मिलेगा तो वहीं पर जाके लगा लेंगे, और बस मैं वही अपना काम पूरा कर रही हूँ। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे बनाड़ स्टेशन पे। हेलो अंग्रेज जी, ये टूरिस्ट के लिए आए हैं यहाँ पे, है ना हुकुम हुकुम, है ना अंग्रेज जी? नहीं, ये पंखा कहाँ लेके जा रहे हो अंग्रेज जी? क्या हो गए नल, और हम इस वाली ट्रेन में आए थे, ये जो आ रही है पीछे। सो ये है हमारा प्यारा सा घर जो हमने रिसेंटली में न्यू लिया है, और इधर अभी डांडिया का प्रोग्राम चल रहा है कॉलोनी में। इतना लाइट ऑन कर जो, तो यहाँ पे कॉलोनी में अर्ली मॉर्निंग माता की पूजा हो रही थी, सो हम सब भी नहा धो के चले गए थे माता जी की जोत देखने के लिए। तो मैंने वहाँ पे एक छोटी सी क्लिप ली थी ताकि मैं आप लोगों तक भी शेयर कर सकूँ ये चीज़, तो बस मैंने वही शेयर किया है। सो यहाँ पे मम्मा हुक्म करने लगे थे टाइम के अकॉर्डिंग चूल्हे का पूजन, जैसा कि पंडित जी ने बताया था, और हमने पुरानी परंपरा के अकॉर्डिंग गणेश जी मिट्टी के ही बनाए हैं। हमने वैसे गणेश जी वैसे भी लाए हैं हम फोटो वगैरह, बट हमने सबसे पहले जो गणेश जी रखे थे वो मिट्टी के गणेश जी रखे थे, और ये हमारे लड्डू गोपाल जिनको पंडित जी ने बताया था कि पहले दूध गर्म करना है, थोड़ा बाहर भी निकालना है बाल को। सो यहाँ पे दूध के उबाल वाला काम तो हो गया था फिनिश, और उसके बाद में हम मम्मी ने चढ़ा दी थी खिचड़ी, क्योंकि आज गृह प्रवेश था, कन्या का भोजन था, तो झोंक का तो कुछ बनता नहीं, इसीलिए सबसे पहले खिचड़ी बनाई जाती है। और ये मॉर्निंग का व्यू दिखा रही हूँ मैं आप सभी को, नाइट का तो मैंने दिखाई दिया था जैसा कि आप सबको पता ही है। हेलो भाई बहन निशा, हाँ इसके अंदर। और उसके बाद में हम लोगों ने किया था कलश का पूजन, जो मटका रखा जाता है सबसे पहले घर में, उसका पूजन मैंने और जीजा को मेरे जेठानी सर जो है हम दोनों ने मिलके किया था। यह हमारा
ऊपर से फैला पड़ा है किचन। ये पूजा की थाली तैयार की है मैंने अभी मम्मी पापा से, ये कटवाएंगे। सो पूजा की थाली रेडी की है और अभी यहाँ पे किचन के लिए तैयार हो रहा है और उसके बाद में चाय बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो खिचड़ी बनी थी वो भगवान जी को भोग लगा रहे थे मम्मा को, और उसके बाद में मैंने सभी लोगों के लिए चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि सबसे पहले पंडित जी ने बोला था कि खिचड़ी बन, सबसे पहले तो दूध उफाना था जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है, और उसके बाद में पंडित जी ने बोला था कि कुछ भी छोंक वगैरह का ना बना के नॉर्मल खिचड़ी बनानी है आपको, तो बस वही सब किया हमने। और यहाँ पर हमारी कन्या माता आ चुकी है, तो हम यहाँ पर इनकी तिलक विलक करके और सबसे पहले घर के अंदर प्रवेश इन्हीं का करवाएंगे अपने शुभ चरणों से। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कन्या माता का रूप होती है, सो हम बस इन्हीं वाइसा को तिलक वगैरह करके सबसे पहले इन्हीं का प्रवेश करवाएंगे अपने घर के अंदर। ओपनिंग हो गई। राजी है ना अब तो? मैं ताली ऐसे बजा रहा हूँ जैसे विधानसभा में बजाते ना टेबल। ये फनी मूवी है। आप तो क्या कहना है इस पे, इस ओपनिंग पे आप क्या? आपका क्या रीच है इस पे? बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। ऊपर बड़ा बड़ा कर इधर देखो, इधर देखो। संस्कारी बनो, संस्कारी बनो यहाँ से। हमारे टीचर कर रहे हैं यहाँ पे बांदरवा बांधने की तैयारी।
बंदरवाड़ बना रहे हैं, ये सुई की होती है ना यहाँ पे, ऐसे शुभ रहती है ये सब चीज़ें, मतलब आप लोगों को पता ही होगा। वैसे तो इधर सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, मैं अंदर का कैप्चर नहीं कर सकती क्योंकि सब लोग बैठे हैं, मेरा गाना अलाउ है बट शर्म आती है। मैंने ये गीत पूरा नहीं सुनाया है, नॉर्मली कुछ कुछ क्लिप्स ली ऐड की है, और भी फिर हमने बहुत सारे भजन गए थे माताजी के, भैरू जी महाराज के, सभी के, बट सारी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोग भी फिर बोर हो जाओगे। और उसके बाद में हम लग पड़े थे अपने काम के, क्योंकि हमारे घर पे तो छोंक का कुछ बनता नहीं, इसीलिए हमने जीजा हुकुम के घर पे ये पूड़ियाँ सब्जी वगैरह वहीं पे बनाई थी सब कुछ। तो बस फिर हम काम के लग गए थे, सो वीडियो कैप्चर करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिला। छोटी सी क्लिप्स मैंने बनाई थी जब मैं पूड़ियाँ निकाल रही थी, तो बस वही आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो लिया पानी पा जाए, हाथ इधर पास पेशन लगाए। क्या नाम है आपका? देवांशु। देवांशु, ये तो सब दुर्गा माता है, और आप? आप कौन हो? बेरुजी। ऐसा बोलो बेरुजी, ऐसा बोलो बेरुजी। आप कौन? इंट्रोडक्शन दो अपना। हाँ बताओ नाम क्या है? पापा का नाम? मिस्टर दादू सा। का नाम? मिस्टर। मम्मी का? मिसेस। दादी सा का? आपकी छोटी बहन का? आरुषि। और वापस स्कूल का क्या नाम है? कहाँ पे है? थैंक यू। तो फाइनली हमारे यहाँ से हो रहा है पैकअप,
तो अभी हो रहा है हमारा पैकअप और हम लोग कहाँ जा रहे हैं इसके लिए आपको नेक्स्ट वाला व्लॉग देखना पड़ेगा, है ना टिब्बुना? तो आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कि हम इतना सारा सामान लेके कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। तो आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।